जियोथर्मल पावर प्लांट। अपना आज का टॉपिक है जियोथर्मल पावर प्लांट। हम सभी प्रकार के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट देख रहे हैं। उनमें से अभी है नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट। व्हाट इज मीन बाय जियोथर्मल, इसका मतलब क्या है? जियोथर्मल का मतलब क्या है? जियो मीन्स जमीन, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। जियो मीन्स जमीन, थर्मल मीन्स उष्णता। जमीन के अंदर की जो हीट है उसका यूटिलाइजेशन करके जो पावर प्लांट बनाया जाता है उसको जियोथर्मल पावर प्लांट बोला जाता है। यह भी काफी मतलब 100 साल से पहले से हम यूज कर रहे हैं। 1904 में पहली बार इटली में इसका इंस्टॉलेशन हुआ। इट इज अ नेचुरल साइट। बहुत जगह पे हम देखते हैं कि गर्म पानी का कुआं है, गर्म पानी की स्प्रिंग्स है, फव्वारे हैं। तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब जमीन बन रही थी, अपने को पता है कि सबसे पहले वो क्या थी, गैसियस और स्टीम लिक्विड का थोड़ा फॉर्मेशन, वो क्या थी, एक फ्लूइड का एक गोला थी। वो उसने रिलीज की हीट एनवायरमेंट में और धीरे 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 ठंडा होते चली गई। तो जब वो प्रक्रिया चालू थी ठंडा होने की, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट कहां पर गैदर हुई, सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब उसके अंदर। वो आज भी लिक्विड फॉर्म में वहां पर जमा है, तो उसे मैग्मा कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैग्मा। आप देख सकते हैं जमीन के अंदर एकदम सेंटर में, उसे कहा जाता है मैग्मा। और दिस मैग्मा नॉट डिफाइंड बट 24 से 40 किलोमीटर तक नीचे ये मैग्मा हमें मिल सकता है नियर अबाउट, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है। कहीं पे ऊंचा होता है, कहीं पे फ्लैट होता है। उंच सखल प्रदेश ज्याला म्हणतो आपण, तर आपण एक्झॅक्ट हाइट नाही मोजू शकत, पण ऑलवर्ड दॅट 24 किलोमीटर to 40 किलोमीटरच्या मध्ये आपल्याला मॅग्माच्या आपण जवळपास जाऊ शकतो। जसं जसं आपण जमिनीच्या आतमध्ये जातो, जसे जसे हम जमीन के अंदर जाते हैं, तो हीट बढ़ती है, उष्णता वाढते, आपल्याला तीच उष्णता, हमें वही हीट यूटिलाइज करनी है। तो कैसे कर सकते हैं वो हीट यूटिलाइज? दो तरीके से। पहले तो बाय नेचुरल साइड, मतलब कहीं कहीं आज भी नेचर में ऐसी जगह मौजूद है जहां पर नेचुरली ये क्या करती है, वेंट करती है वो हीट इग्निशियस रॉक के थ्रू। उसमें भी दो तीन टाइप्स होते हैं, हाइड्रो पेट्रो, तो हम हाइड्रो ही देखेंगे नियर अबाउट। तो यहां से जो स्टीम लीक होती है इग्निशियस रॉक से, वो क्या करती है, जमीन को धीरे धीरे क्रैक करके ऊपर आती है, और वहां से क्या निकलती है, स्टीम बाहर निकलती है। तो हमें वही स्टीम यूटिलाइज करना है। और दूसरा तरीका है कि जैसे हमने ये पाइप दिखाया है, वो पाइप हमें ड्रिल करने पड़ेंगे जहां तक हमें कन्वीनियंट, अपने को चाहिए यूजेबल हीट जब तक ना मिले तब तक हमें वो पाइप क्या करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल करके उसमें भी दो तरह के पाइप होंगे। दिस टाइप ऑफ पाइप इज प्रोडक्शन, ठीक है, इसका यूज हम कैसे करेंगे, ये क्या करेगा, यहां से भाप, स्टीम, वाटर वेपर लेकर क्या करेगा, टर्बाइन, यहाँ पे दिखाया गया है, टर्बाइन रन करेगा, ठीक है। आफ्टर द यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन करने के बाद वही स्टीम, वही वेपर हम क्या करेंगे, री इंजेक्शन पंप से फिर से वापस जमीन में देंगे, ठीक है। लेकिन हम फिर से वापस जमीन में क्यों डालते हैं, वो उसके दो रीजन होते हैं।
नहीं है। हीट के साथ साथ जो गैसेस है, पॉइजनस गैसेस एज लाइक मीथेन, मर्क्यूरी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑल्सो इट रिलीजेस, वो ज्यादा मात्रा में नहीं लेकिन वो रिलीज होंगे और इट इज वेरी पॉइजनस फॉर अस, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। हेंस हम दो पाइप ड्रिल करते हैं फॉर प्रोडक्शन पर्पस पहला, और सेकंड पाइप ड्रिल करते हैं री इंजेक्शन पंप, जो भी स्टीम वेपर है आफ्टर यूटिलाइजेशन टू रन द टर्बाइन, टर्बाइन को रन करने के बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हुए कर लेते हैं तो फिर वापस हम इसको क्या करते हैं, री इंजेक्ट करते हैं। हम सबसे पहली बार ये इटली में इंस्टॉल हुआ 1904 में, फिर से वही इंस्टॉल हुआ 1914 में, फिर से वही इंस्टॉल हुआ 1944 में। बट व्हाई इंडिया में इसका यूटिलाइजेशन कम है, इंडिया में इसका यूटिलाइजेशन कम है, क्यों कम है? तो जो नेचुरल साइट्स है जियोथर्मल एनर्जी के लिए वो हमारे यहाँ कम है। और अगर आप खुद से ओके पाइप ड्रिल करके सेकंड मेथड से अगर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो कॉस्टली जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट है ही नहीं, है। कहाँ कहाँ पर है? पुगा वैली इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, 40 मेगावाट का प्लांट है वहां पे। देन पार्वती वैली इन हिमाचल प्रदेश, दोनों जगह पे आज भी। इट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी जियोथर्मल पावर प्लांट लोकेट कर दिया गया है। पॉजिटिव साइड इज नो फ्यूल रिक्वायर्ड, हमें बाहर से कोई रॉ मटेरियल या फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या कर रहे हैं, जमीन के अंदर की जो उष्णता है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये पावर प्लांट मोस्ट एम्पल, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट कर सकते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। तो हम अब देखेंगे यह कि इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला तो एडवांटेजेस ही देखेंगे हम, ठीक है। इसका पहला एडवांटेज है कि इसकी अगर नेचुरल साइट है तो क्या है, इसकी इनिशियल कॉस्ट लो होंगी, नेचुरल है, इनिशियल कॉस्ट लो ही रहना है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट नहीं पेड कर रहे हम, ठीक है। देन वास्ट और एम्पल हीट, ज्यादा हम हीट इस तरीके के पावर प्लांट से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने दो तरीके के पावर प्लांट ये किए थे, बेस लोड एंड पीक लोड। तो हमने देखा स्टीम, हाइड्रो, न्यूक्लियर, दे आर द बेस लोड पावर प्लांट, बट डीजल पावर प्लांट इज अ पीक लोड पावर प्लांट है। ये क्या कर सकता है, बेस लोड हमें दे सकता है, मैक्सिमम एनर्जी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल, मतलब ये जो ऐसा नहीं है ये कभी भी ठंडा नहीं होगा, कोर ये ठंडा जरूर होगा, बट मिलियंस ऑफ इयर्स, इसके लिए हमें हजारों साल लगने वाले हैं, तो तब तक ये एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। से थर्ड, मिनिमम पोल्यूशन एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, पोल्यूशन ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट इज निग्लिजिबल, ठीक है। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, देन नो नीड टू स्टोर रॉ मटेरियल, जैसे हमने कहा देखा हाइड्रो पावर प्लांट में देखा, स्टीम पावर प्लांट में देखा, देखा है कि एक बड़ी अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा पैसे हमारे कहां पे खर्च होते हैं, फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल स्टोरेज, ठीक है, तो उसमें ये खर्चा नहीं होगा, इसलिए रॉ मटेरियल स्टोर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी साइड भी छोटी होंगी, ओनली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग रहेगा इसमें। तो दूसरी बात, इस तरह के पावर प्लांट बायसाइकल में भी यूज किए जाते हैं, जैसे स्टीम एंड हाइड्रो पावर प्लांट की बाइनरी साइकिल होती है, तो इस तरीके के पावर प्लांट भी बाइनरी साइकिल में रन हो सकते हैं। देन वी कैन सी डिसएडवांटेज, अभी हम इसके निगेटिव साइड देख रहे हैं कि ये क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है। हाई एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्यों होती है, इसकी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है, बिकॉज
दिस साइड, ये जो साइड्स होती है जियोथर्मल पावर प्लांट की वो रेयर होती है, मतलब जंगल में बहुत सारे वैलीज जहां पे होते हैं उस तरीके के साइड में, तो वहां से हमें सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लॉन्ग स्पैन हो जाता है, इसलिए उसका कॉस्ट कैसे रहेगा जानता होगा। लोकेटेड एट साइड ओनली, जहां से भाप निकल रही है या फिर जहां आपने ड्रिल किया है वहीं पे आपको जनरेशन करना है, हम उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इट इज टू मच कॉस्टली, ठीक है। और जो आउटपुट मिलेगा वो भी कम मिलेगा, बिकॉज वो क्या होती जा जाएंगी, ठंडी ठंडी होती जाएंगी, टेम्परेचर इज रिड्यूस। ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू साइट इज नॉट इकोनॉमिकल, कर सकते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है। इट रिलीज पॉइजनस गैसेस, पहले भी बताया हमने कि ये क्या करता है, रिलीज करता है पॉइजनस गैसेस को, दैट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मर्क्यूरी। हम जानते हैं मीथेन और मर्क्यूरी कितना पॉइजनस होता है ह्यूमन बीइंग आल्सो, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन, मशीनरी, इक्विपमेंट इज नॉट इजी समटाइम्स, जो भी एसेसरीज लगती है हमें, लेबर्स लगते हैं, वो उस साइट पे ले जाना भी बहुत इजी नहीं होता है, बिकॉज दे आर इन द वैलीज, जो बाग दरी खोरी जिसको बोलते हैं, वैसे जगह पे, रेयर जगह पे, जंगल में ये साइट्स अवेलेबल होती है, इसलिए ये कभी कभी उस तरीके की कॉस्ट हमें ज्यादा पे करनी पड़ सकती है। तो आज हमने देखा जियोथर्मल पावर प्लांट, दिस इज अ वेरी इकोनॉमिकल फॉर अस, लेकिन सब जगह ये नहीं बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे वाइंड पावर प्लांट, तब तक के लिए थैंक यू।